छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर होटल ग्रैंड इम्पीरिया में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत दुर्ग विश्वविद्यालय वाइस चांसलर डॉ. अरुणा पलटा, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के डीन डॉक्टर प्रोफेसर राजीव चौधरी, MPT स्पोर्ट्स डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी ने दीप जलाकर किया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा VIP रोड स्थित होटल ग्रैंड इम्पीरिया में विश्व शांति और एकता में स्वास्थ्य का महत्व विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में प्रदेश भर से आए खिलाड़ियों और खेल संघ के पदाधिकारियों को दुर्ग विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर अरुणा पलटा और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा समेत अन्य अतिथियों ने विभिन्न खेलों के लिए फिट रहने के लिए क्या करें इसके बारे में टिप्स दिए। वही मोबाइल के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव और सोने से लेकर जागने तक योगाभ्यास के साथ खान पान किस तरह से किए इस पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक दिवस के मौके पर केक भी काटा गया। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर होटल ग्रैंड इम्पीरिया में विश्व शांति और एकता में स्वास्थ्य का महत्व विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के इस कार्यशाला का शुभारंभ दुर्ग विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. अरुणा पलटा, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा समेत अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन करके इसकी शुरुआत की। कार्यशाला में कुलपति डॉ. अरुणा पलटा ने सबको संबोधित करते हुए बताया कि मोबाइल युग में लोगों की दिनचर्या किस प्रकार हो गई है, इसके साथ ही डॉक्टर पलटा ने योग का महत्व बताया। साथ ही लोगों को अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहने की अपील की। साथ ही साथ इस आयोजन के लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा का आभार भी दिल से जताया। आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ तथा छत्तीसगढ़ युवा एवं खेल कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आज यहाँ पर होटल ग्रैंड इम्पीरिया में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। विश्व शांति और स्वास्थ्य इस कार्यशाला का थीम था और सब हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि स्वास्थ्य का व्यक्ति के मानसिक शांति के साथ बहुत गहरा संबंध है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही मानसिक रूप से भी शांति महसूस कर सकता है, खुश रह सकता है। बहुत अच्छे इसमें लेक्चर्स आयोजित किए गए। सुनने वाले जितने लोग थे वो क्रीड़ा जगत के जाने माने कोचेस, मैनेजर्स, खिलाड़ी सब यहाँ पर आज उपस्थित हुए। संघ के सभी पदाधिकारीगण थे। बहुत अच्छी चर्चाएं हुई यहाँ पर और मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहती हूँ एसोसिएशन को, इतना अच्छा कार्यक्रम आज आपने यहाँ पर सभी खेल प्रेमियों के लिए आयोजित किया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के मौके पर सभी अतिथियों की मौजूदगी में केक काटकर इस विशेष दिन को सेलिब्रेट किया गया। इस दौरान CGOA महासचिव होरा और कार्यशाला में उपस्थित सभी वक्ताओं ने खिलाड़ियों को लंबे समय तक फिट रहने के गुर बताए। महासचिव होरा ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में ये आयोजन किया गया है। इस आयोजन के जरिए खिलाड़ियों को मानसिक शारीरिक रूप से अपने आप को खेल के लिए कैसे तैयार करें इसकी जानकारियाँ दी गई है। सर्वप्रथम तो मैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पे सभी देशवासियों को और विदेश में रह रहे सभी खिलाड़ियों को और सबको मैं बधाई देता हूँ। माननीय भूपेश बघेल जी जो कि हमारे ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनके दिशा निर्देश में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हमने आज किया और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे दो विश्वविद्यालय के कुलपति अरुणा पलटा जी, दुर्ग विश्वविद्यालय राजीव मिश्रा जी, रविशंकर विश्वविद्यालय, फिजिकल के जो इंडिया के थेरेपी हैं प्रशांत चतुर्वेदी जी सहित बहुत वक्ताओं ने एक खिलाड़ियों को सारगर्भित अपने जो भाषण के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा यह बताया कि खेल में जीवन शैली का क्या महत्व है। और ये हम क्योंकि हम लोग रैली भी कराते हैं, बहुत सारे खेल भी कराते हैं, लेकिन मेंटल कैसे हमको जीवन शैली जीना चाहिए, कैसे हमको बच्चों को व्हाट्सअप और ये बाकी चीज़ों से दूर रखते हुए, आप लोगों ने देखा होगा UPSC में एक लड़की ने कहा था कि मैं तो व्हाट्सअप चलाती नहीं, मैं फेसबुक देखती ही नहीं है। लेकिन आज के जो इस जकड़ में हमारे बच्चे चले गए, उनको दूर करने के लिए, मोटिवेशन करने के लिए हमने इस कार्यशाला का आयोजन किया था कि कैसे जीवन शैली रहनी चाहिए, कैसे हमका जीवन का आहार व्यवहार होना चाहिए। सभी वक्ताओं ने अच्छे अपने विचार व्यक्त किए
मैं इस अवसर पर सबको शुभकामनाएं। कार्यशाला के दौरान ओलंपिक संघ महासचिव होरा ने छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज एसोसिएशन महासचिव विनोद राठी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया। इस मौके पर विनोद राठी ने महासचिव होरा को खेलों का मसीहा बताते हुए कहा कि जब से वे महासचिव बने हैं तब से प्रदेश में खेलों का सर्वांगीण विकास होने लगा है। वही चेस ओलंपियाड के लिए निकली मशाल महासचिव होरा के नेतृत्व में 16 जुलाई को रायपुर के इंडोर स्टेडियम पहुंचेगी, जहां खेल प्रेमी इसका भव्य स्वागत भी करेंगे। जब से सेक्रेटरी बने हर खेल में हर जगह जिस तरीके से खेल उठ रहा है पूरा श्रेय गुरचरण भाई को रहा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ हमेशा ये किसी ऊर्जा के साथ किसी संकल्प के साथ और प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए विभिन्न खेलों के पदाधिकारीगण खिलाड़ीगण उन सब के लिए विशेष आभार। आपने मुझे यहाँ बुलवाया। मैं गुरचरण भाई से गंदी मजाक में बोलता हूँ भैया, मेरी हैसियत शतरंज के बोर्ड से एक पैदल की है, आप मुझे इस जगह पर मत लाइए, मुझे वहीं पर बैठना चाहिए। और आप सबसे मिलके मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिर से यंग हो गया। मैं 70 साल का हूँ लेकिन मुझे कहीं नहीं लगता। और धन्यवाद गुरचरण भाई को फिर से कि मुझे बार बार एहसास दिलाते हैं कि मैं जवान हूँ। आज एक विशेष प्रसंग से मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है शतरंज का जन्म भारत में हुआ और एक परंपरा है ओलंपिक मशाल की। एथेंस को वो श्रेय था क्योंकि खेलों का जन्म एथेंस ग्रीस से हुआ था। आज पूरे विश्व ने ये मान लिया कि शतरंज की जन्मभूमि भारत है और ये 44वां विश्व शतरंज ओलंपियाड चेन्नई में होने जा रहा है 28 जुलाई से 10 अगस्त। इसमें 190 देश भाग ले रहे हैं, 3000 से ज़्यादा विश्व के टॉप खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। किसी भी खेल में भारत में इतना बड़ा खेल आयोजन नहीं हुआ है। इस आयोजन का श्रेय भारत को मिला और भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने ओलंपिक मशाल की शुरुआत की। अब से जब कभी भी दुनिया में कहीं भी शतरंज का ओलंपिक होगा भारत से वो मशाल निकल के पूरी दुनिया में घूमेगी। कभी 19 तारीख को दिल्ली से वो मशाल चालू हुई है। आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा है 75वां, तो ये 75 शहरों में ये घूमने वाली है ओलंपिक मशाल। 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद साहब ने दिल्ली से वो मशाल लाल किले की प्राचीर से वो मशाल प्रारंभ की। अभी वो जम्मू कश्मीर से होते हुए दिल्ली होते हुए पंजाब चंडीगढ़ सब होते हुए आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड एशियन न्यूज़।